नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अलीगंज विधानसभा में। वह गांव खिरिया पमारान आप सीधे देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय पर हम मौजूद हैं। ये वही पोलिंग बूथ है जहां पर एक नाबालिग लड़के ने 8 वोट डाले थे और इसके बाद में यह बड़ा मुद्दा बना और चुनाव आयोग ने उस पर रीपोल के आदेश दिए। आज दोबारा से वोट डाले जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की यदि मैं बात करूं तो यहां पर एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और एसएसपी राजेश कुमार सिंह खुद मौजूद हैं और लगातार वह सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। बताया यह भी गया है कि यहां डुगडुगी भी बजाई गई थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार वोट पुनः डालें। तो अभी आप एएनजी न्यूज पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं खिरिया पमारान से। शाम तक यह पोलिंग चलेगी, क्या अपडेट रहेगा अपने दर्शकों तक देते रहेंगे। इस पूरे रीपोल पर डीएम और एसएसपी ने क्या कहा है आगे के वीडियो में देखें। फर्रुखाबाद लोकसभा की एटा जनपद में जो अलीगंज विधानसभा है इसका बूथ है खिरिया पमारान, इसमें आज पुनर्मतदान हो रहा है, कितना चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज यहाँ पे दोबारा जो है इस बूथ पे मतदान हो रहा है और अभी तक हम लोगों ने जो पता किया है कि 171 लोग वोट दे चुके हैं और यहाँ पे मतदाताओं की संख्या 1205 है, तो लगभग 14% का मतदान हो चुका है। जो अभी 10 तारीख को मतदान हुआ था उस दिन 69% मतदान हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी स्पीड चल रही है और हम लोग को उम्मीद है कि 70% के आसपास हम लोग को पहुँच जाना चाहिए। पिछली बार यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो इस बार क्या बंदोबस्त किए गए हैं जिससे शांतिपूर्वक और फेयर मतदान हो सके? देखिए, जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है और बाहर भी गांव में भी हर जगह जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। साथ में गाँव में डुगडुगी भी बजाई गई थी 2 दिन तक ताकि लोग मोटिवेटेड रहें और वापस मतदान करने के लिए। तो भीड़ से ऐसा लग रहा है, भीड़ देख के, कि काफ़ी लोग मोटिवेटेड हैं और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रिकॉर्ड मतदान होगा आज? नहीं, हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव के लोगों से भी बात की है और सभी से रिक्वेस्ट भी किया है, क्योंकि दोबारा निकल के आना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है किसी के लिए भी, लेकिन जिस तरह से भीड़ लगी है, जिस तरह से मतदान हुआ है, तो पिछले बार से भी अभी 9 बजे का जो डेटा है वो बेटर है, तो हम लोग को लग रहा है कि वो हम लोग या तो पहुँच जाएंगे या क्रॉस कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कप्तान साहब, फर्रुखाबाद लोकसभा की एटा जनपद में अलीगंज विधानसभा में खिरिया पमारान बूथ में मतदान हो रहा है, क्या बंदोबस्त किए गए हैं, कैसा मतदान चल रहा है? बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है, पिकेट और बैरियर तक लगाए गए हैं ताकि बाहरी लोगों का आवागमन यहाँ पर न हो पाए। गाँव के ही लोग हैं, गाँव के वोट लोग डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़ी लंबी लाइन लगी है और बिल्कुल निष्पक्ष और सकुशल मतदान हो रहा है और उम्मीद है कि अच्छा मतदान होगा। पूरे जनपद में 3 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल मतदान हुआ है और यहाँ पर भी आप लोग क्या अपील करेंगे मतदाताओं से कि किस तरह से आएँ बड़ी संख्या मतदान? मतदाताओं से अपील की गई है और काफ़ी प्रयास किया गया है, उसी का नतीजा है कि देखिए लंबी लाइन लगी हुई है और अभी तक 14% मतदान हो चुका है। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मतदान होगा। क्या पहले से ज़्यादा बेहतर रहने की उम्मीद है? ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। अरे निकलने दो भाई, बोटल।